नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैकलिंक से रिलेटेड। आपके लिए इस वीडियो में दो यूआरएल दूंगा जहां से आप बना सकते हैं 100% डू फॉलो बैकलिंक। पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे करना है। यूआरएल जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहां से आप निकाल सकते हैं। दोनों वेबसाइट का स्टैटिस्टिक जो है अच्छा खासा है। फिर आप बैकलिंक लेने के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट जाकर खरीद सकते हैं। सारे जो भी मैंने बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियो यूआरएल डाले हैं, सारे ऑलमोस्ट 80 प्लस जो है वो डाले हुए हैं, 70 प्लस 90 प्लस तक के हैं। मोर देन 30 बैकलिंक्स जो बहुत ही पावरफुल है, आप उसको चाहे तो खरीद सकते हैं। ठीक है, जियो भी बैकलिंक्स भी मैंने डाला हुआ 5-6, काफी पावरफुल है, बहुत जल्दी इंडेक्स भी होते हैं। अगर वो भी चाहे तो वो खरीद सकते हैं आप, जबरदस्ती नहीं है, इट्स अप टू यू। ठीक है, और इस वीडियो में आपको दो यूआरएल दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से जाकर आप बना सकते हैं। चलिए सिस्टम में चलते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ बनाना है आपको डू फॉलो बैकलिंक, उसके बाद आपको मिलता है। पहला जो यूआरएल है ये है, उसका नाम है turnkeylinux.org। ये एक एजुकेशनल साइट टाइप की है जिसमें कि आप अपना बैकलिंक बना सकते हैं विद इन अ प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। एज यूजुअल रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपल स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो बस आपका नाम, ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं देखिए यहाँ पे अभी जैसे ईमेल आईडी डालिए, नेम डालिए और फाइनली आई एग्री पे क्लिक कीजिए और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपको एक मेल जाएगा, उस मेल में ये जो लाइन जो दूसरे नंबर पे आ रहा है ये वाला, यहाँ पे इसको आप एक्टिवेट करने के लिए क्लिक कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा। तो वहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिएगा और फिर लॉगिन कीजिएगा तो आप जो है इस पे लॉगिन कर सकते हैं। फाइन, अभी जैसे कि यहाँ पे जब मैं आया इस पे होम पेज पे, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लॉगिन पे आप जब बना लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और फाइनली लॉगिन कीजिएगा। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, तो उतना करके दिखाने की जरूरत नहीं आपको। जैसे आप यहाँ आएंगे तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वेब के अंदर मैंने अपना एक यूआरएल डाला हुआ है जो कि एक डू फॉलो बैकलिंक है। इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये दिखाने के बाद आपको साइट की स्टैटिस्टिक दिखाऊंगा कि क्या है साइट की स्टैटिस्टिक्स। ये रहा यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक जो कम्प्लीटली डू फॉलो, यहाँ पे किसी तरह का नो फॉलो कोई जिक्र नहीं किया हुआ, कोई अट्रीब्यूट जो है नो फॉलो का नहीं लगा हुआ, ये डू फॉलो बैकलिंक है। ऑलरेडी प्रूवन है, मैं ऑलरेडी आरिफ में चेक कर चुका हूँ इस यूआरएल को, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तरीका है। यहाँ पे आप बनाना कैसे है वो आपको दिखाता है। आप जब जाएंगे यहाँ पे तो एडिट सेक्शन में जाइएगा, आपने प्रोफाइल के एडिट सेक्शन में जाइएगा। एडिट सेक्शन में जब जाएंगे एडिट सेक्शन में वेब का ऑप्शन आएगा एक, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, इसके अंदर एडिट में पर्सनल डिटेल के अंदर जाइएगा और यहाँ पे वेब का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आने के बाद आप अपना यूआरएल डाल सकते हैं जिस पे भी आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया आपको। बायो के अंदर आप चाहते हैं कुछ डालने का तो बायो के अंदर डालकर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी यूआरएल डाल के ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरह का यूआरएल डाल के आप ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे नहीं ट्राई कर सकते तो AHRF टैग के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो हो सकता है चले तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको सामने चेक करके देखता हूँ कि चल रहा है नीचे, मैंने चेक नहीं किया था। इसको सेव करते हैं, ये दोनों ही डाला हुआ है। लेट्स सी कि कौन सा लिंक बनता है कि नहीं बनता है। व्यू में जाके देखते हैं कि कोई, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट बायो में डायरेक्टली जो लिखा हुआ था वो बना है, AHRF टाइप के अंदर नहीं बना है। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था, अभी आपके सामने देख रहा हूँ कि क्या है ये। ये नो फॉलो बैकलिंग है, सो नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस। आप बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन ये जो है ये डू फॉलो बैकलिंग है क्योंकि यहाँ पे नो फॉलो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये एक तरीका है यहाँ से डू फॉलो बनाने का। अभी साइट की स्टैटिस्टिक देखते हैं क्या है। इस साइट को ऑलरेडी मैं यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ, turnkeylinux.org। ठीक है, इसका जो डी है वो 86 है, 10 मिलियन ज़्यादा इसके ऊपर बैकलिंक्स बने हुए हैं। ये इसके लैंग्वेज में जाइएगा, मैंने चेंज किया हुआ था। ठीक है, वो गलती से चेंज हुआ, इसको रिफ्रेश करना है वापस। और इसका आरिफ रैंक जो है 3862 है, यानी कि बहुत ही अच्छा आरिफ रैंक है, रेप्यूटेड वेबसाइट है, किसी तरह कोई स्पैम नहीं है। इसका स्पैम के बारे में देखा जाए तो इसका स्पैम जो है ये 5 दिखा रहा है यहाँ पे, सो नथिंग टू वरी। 5 कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, 5 चीज ओके, आप इसमें सेफ साइट जा सकते हैं। किसी तरह कोई कितनी बड़ी वेबसाइट होती है उसका 1 से 5 के बीच में होना ही होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैप हो ही जाता है। हाँ, दिक्कत तब होती है जब किसी का साइट का स्पैम इसको 30 अबव है, 40 अबव है, तो रिस्की होता है आपके लिए। लेकिन अगर इस तरह का 4-5 के अंदर है तो इट्स नॉट एट ऑल ए इशू, आप जा सकते हैं। अगर आपकी साइट का अगर स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है, जैसे 30-40 आपका साइट का स्पैम स्कोर ऑलरेडी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मत बनाओ। लेकिन आपकी साइट का स्पैम स्कोर 1 है, 0 है, तो इससे किसी तरह कोई इंपैक्ट आपको इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो एक यूआरएल जो मैंने बताया। दूसरा यूआरएल जो है हमारा, दूसरा यूआरएल ये है longisland.com। ठीक है, यहां पे जब आएंगे आप तो इस साइट पे चलते हैं अभी फिलहाल होम पेज पे। दोनों यूआरएल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे आने के बाद ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर मैंने इस पे नहीं किया है शायद, बट फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे
पासवर्ड डाला, यहाँ पे ईमेल आईडी, डालने के बाद आई हैव रीड द अग्रीमेंट पर क्लिक कीजिएगा। आर्टिकल पार्टिकल नहीं चाहिए मुझे कोई भी यहाँ से। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए। अरे यार ये बहुत पकाऊ होता है। बस कहाँ है, यहाँ है, बस बस ये भी बस ही है। वेरीफाई, कम ऑन, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, ये क्या है, वेरीफाई, ठीक है, साइनअप पर क्लिक किया। ये सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा दूसरे वाले यूआरएल के लिए। एक तो मैंने बता दिया कंफर्म आपको, दूसरे वाले के लिए यहाँ पे सेव किया इसको। यहाँ पे आने के बाद आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन में डाल दिए जो भी डालना आपको, और इसमें वेब का ऑप्शन कहीं मिल, वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ है, तो आप इसमें अपना यूआरएल डालिए जो भी आप इसको ये करना चाहते हैं। ईमेल मार्केटिंग टिप्स उठाया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया। नेम डालना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज आपको आई गेस करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आ रहा है, जो भी आ रहा है छोड़ो। एंड फाइनली सेव कीजिए इसको। जो भी आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप चलते हैं प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल स्लैश, लेट्स सी ये खुलता है नहीं खुलता। वन टू थ्री है एक्चुअली, प्रोफाइल स्लैश थ्री, देखिए ये यहाँ पे खुला और ये आपने जो दिया था वो आ गया है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि ये डू है या नो है। यहाँ पे किया, इस पे गया, यहाँ पे गया, ये 100% डू फॉलो बैकलिंक है। इसमें किसी तरह का नो फॉलो कोई सिंगल सिंबल नहीं दिख रहा है, ना ही कोई एट्रीब्यूट्स में जोड़ा हुआ। क्लियर कट, इससे डू फॉलो बैकलिंक ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। अब इस साइट की स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ आपको, क्या है इस साइट का स्टैटिस्टिक। ये भी 70+ था जहाँ तक मैंने चेक किया था इसको। लैंड इसका मौज में चेक करते हैं, इसका ये कितना है, स्पैम स्कोर कितना है, 4 है, दैट्स फाइन। 72 इसका डीए है, और इसका जो है बैकलिंक जो है इसके ऊपर 1.19 मिलियन है, और लगभग 60,000 के आसपास का आरिफ रैंक अलग से रैंक बता रहा है। सो इट्स फेयर एनफ। ग्रोइंग वेबसाइट आप देख सकते हैं इसका, लगभग 60,000 के आसपास है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो ये दोनों यूआरएल जहां से आप बना सकते हैं, डेफिनेटली डू फॉलो बैकलिंक। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इससे और भी पावरफुल बैकलिंक चाहिए, आपको खरीदना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट जाकर खरीद सकते हैं। लगभग 25 वेबसाइट ऑलरेडी वहां पे डाले हुए हैं, 5 और मेरे पास जो है इंक्लूड किया है मैंने, अभी 6 अभी किया नहीं, करने वाला हूं। तो अगर आप चाहें तो 25 बाई कर सकते हैं, उसमें भी ऑफर चल रहा है। अगर आप 13 या 14 कुछ खरीदते हैं तो आपको एक जियो भी बैकलिंक फ्री दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो भाई लोग यही था दो यूआरएल जहां से बना सकते हैं आप डू फॉलो बैकलिंक। जो दोनों यूआरएल दिए प्रूवन यूआरएल्स हैं, जहां से 100% डू फॉलो बैकलिंक मिला हुआ है, आरिफ में चेक किया हुआ है, ये वैलिडेटेड है, और इसमें किसी तरह का स्पैम का भी चक्कर नहीं है। स्पैम स्कोर बहुत अच्छा खासा इसका, इसका बिल्कुल लो है, यहां पे आपको स्पैमिंग का भी कोई चक्कर नहीं। तो मैंने कहा मतलब ये बिल्कुल सेफ वेबसाइट है, यहां से आप बना सकते हैं अपना डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि हेल्प करेगा आपको अच्छे से ब्लॉग्स करने। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।